आप सभी ये तो जानते ही होंगे, यूपी के प्रयागराज में माघ के महीने में मेला लगता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माघ का मेला आयोजन प्रयागराज में क्यों किया जाता है? इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। माघ मेले में 5 बड़े स्नानों का आयोजन किया जाता है। इस साल 2024 में माघ मेले में स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। माघ मेले में पहला स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024, दूसरा स्नान 25 जनवरी 2024 को पौष पूर्णिमा, कल्पवास का आरंभ माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या पर, चौथा स्नान बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024 को, पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024, आखिरी स्नान 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि। प्रयागराज में माघ मेला होने के महत्व की बात करें तो ये सभी जानते हैं कि प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार तीनों ही नदियाँ अपने आप में धार्मिक महत्व रखती हैं। इसके अलावा प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ माघ मेले की खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद माघ मेले के आयोजन की शुरुआत की जाती है। माघ मेले को लेकर पौराणिक कथाओं के मुताबिक माघ महीने में भगवान ब्रह्मा ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। कहा जाता है कि यह रचना माघ महीने में हुई थी, इसीलिए इस माह को त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। साथ ही काफ़ी लोग इस माह में कल्पवास भी करते हैं। चलिए जानते हैं कल्पवास आखिर क्या होता है। कल्पवास के काफ़ी कठिन नियम होते हैं। इस दौरान श्रद्धालु जमीन पर सोता है और सादा खाना पीना खाते हैं। माघ मेले के दौरान की गई भक्ति से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ मेले के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कल्पवास दान के साथ पूरा होता है। इस दौरान कल्पवास करने वाला श्रद्धालु दान स्वरूप ब्राह्मण को बिस्तर समेत खान पान की चीजें दान करता है। इसके अलावा माघ मेले का एक और भी महत्व है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। माना जाता है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए लोग संगम में स्नान करते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी तमाम और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष, और आप सभी TV9 भारतवर्ष देखते रहें।